अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजुआ आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्योटिस्ट में खुश आमदेद कहता हूँ। आज की होम्योटिस्ट का जो मौजू है वो है भूख की कमी। यानी बहुत दफ़ा ज़िंदगी में आपको कई दफ़ा हुआ है बुखार के बाद या वैसे ही, या कोई रीज़न नहीं है लेकिन भूख की जो एक नेचुरल तलब होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रोटी पे दिल नहीं करता, हज़म नहीं होती, या कोई ऐसे कोई मसाइल हैं तो इन तमाम जो भूख की कमी के मसले हैं इन तमाम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहली जो दवाई है वो है चाइना। चाइना की अलामत ये हैं कि भूख बिल्कुल नहीं लगती लेकिन भूख का एहसास फिर भी रहता है। भूख लग भी नहीं रही लेकिन भूखे होने का एहसास भी है। अगर कुछ खा लिया तो वो बिल्कुल हज़म नहीं होता, जैसे कि पेट में ऐसे रख दिया गया है, और बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, पेट फूल जाता है। अगर ऐसी कैफियत है कि भूख तलब भी नहीं है लेकिन एहसास भी बाकी है, तो उसके लिए चाइना 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे आपका ये मसला भूख न लगने वाला हल कर देगी, और आज़मा अगर ख़राब हो वो भी ठीक करेगी। अगली हमारी दवाई है कार्बो वेजिटेबल, ये भी 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपने लेने हैं। तो इसकी जो अलामत और सिम्पटम ये है कि गोश्त और मुर्गन गज़ाओं से इसमें बिल्कुल नफ़रत पाई जाती है, सादा खुराक भी तकलीफ़ देती है, और अगर कुछ खा लिया तो वो बिल्कुल हजम ही नहीं होती। रगबत जो होती है खाने की, जो खुशबू उसकी अपनी तरफ खींचती है, जायका खाता वो नहीं होता, और वो बिल्कुल ऐसे ख़राबी होती है। जैसे इस सिलसिले में कार्बो वेजिटेबल ज़बरदस्त काम करती है। आगे है जी हमारी दवाई लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपने लेने, और इसके जो अलामत है कि भूख ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भूख है, लेकिन चंद लुकमे आप अगर उसमें लगा लिए, चंद लुकमों के बाद बिल्कुल भूख मिट जाती है, जिसको कहते हैं कि भूख मर गई है। एंड चंद लुकमे आपने खाए और आप यूं फील करके बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और उसके बाद आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसी कैफियत है तो लाइकोपोडियम, और इसमें क्योंकि पेट तो फुल होता नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है कि पेट भर गया, रात को आँख खुल जाती है और बंदे को दोबारा खाना पड़ता है। अगर ऐसी कैफियत है तो लाइकोपोडियम उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी सल्फ़र। सल्फ़र 30 पोटेंसी में आपने दिन में 2-3 दफ़ा लेनी है, और इसकी अलामत ये है कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होती है। यानी 2-3 लुकमे खाए, 1 गिलास पानी, फिर 2-4 लुकमे खाए, फिर गिलास पानी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है बंदा पीता है। अगर ऐसी कैफी है कि चंद लुकमे फिर पानी, चंद लुकमे फिर पानी, अगर ऐसी है तो सल्फ़र इस पर ज़बरदस्त काम करेगी। ये जो बहुत ज़्यादा पानी की प्यास खाने के दौरान है, इसको बिल्कुल ये ख़त्म कर देगी। अगली हमारी दवाई ये मैंगेनम। मैंगेनम ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है कि अगर भूख की, यानी इसमें भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाने की बिल्कुल चंद लुकमे भी की तलब भी नहीं रहती। अगर ऐसी कैफियत है कि खाने की ख्वाहिश ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, और साथ में देखिए तकलीफ़ है, तो मैंगेनम इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी एसिड कार्बालिक, ये भी 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिल में 3 दफ़ा लेने हैं। एसिड कार्बालिक के जो सिम्टम है कि भूख ख़त्म हो जाती है, पेट गैस से बिल्कुल भर जाता है, और पेट में तनाव पैदा हो जाता है। यानी भूख ख़त्म है, पेट में गैस है, तनाव है, तो ऐसी सूरत में एसिड कार्बालिक आपने 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने। अगली हमारी दवाई है जी एलोमीना। एलोमीना भी दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे लेने हैं। तो इसमें मैदा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जवाब दे जाता है, और इसके मरीज़ को गैर हज़म अशा जैसे चाक, मिट्टी, कोयला, गत्ता, कागज़, ये चीज़ें खाने की, मिट्टी वगैरह, तलब उसकी बढ़ जाती है। उसका दिल करता है कि ये गैर हज़म अशा जो हैं ये खाता है। गोश्त से इसमें नफ़रत होती है, बिल्कुल गोश्त को देखना भी पसंद नहीं करता। ये तो अलामात के मुताबिक थी। आप एक जनरल फार्मूला कम्बिनेशन में आपको बताने जा रहे हो, अगर समझ नहीं आई
तो ये तीन दवाएं मिला के कर लेने से इंशाल्लाह आपका मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो वो तीन दवाएं हैं कार्बो वेजिटेबल, लाइकोपोडियम और चाइना। ये तीनों दवाएं 30% से मिला के आपने दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करनी है। तो ये मसला काफ़ी हद तक, जो भूख की तलब नहीं है, हज़म नहीं होता खाना, तो ये ठीक हो जाएगा। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट से भी आगाह करें, नए सुनने वाले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी सेहत के बारे में नई मालूम आपको बर वक्त मिलती जाए। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।